हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज के वीडियो नीट 2021 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जिन भी स्टूडेंट्स ने नीट 2021 का एग्ज़ाम दिया था और गाइस जो फाइनली वेट कर रहे हैं काउंसलिंग की, ठीक है, तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आज मैं सभी स्टेट्स की नीट 2021 के स्टिक कट ऑफ के बारे में बताने वाली हूँ। कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ जाने वाली है, कितने मार्क्स, कितना रैंक आपका होना चाहिए कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए किस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, ठीक है गाइस। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अब देखिए, हम चलते हैं कट ऑफ पर। तो गाइज़, यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है वेस्ट बंगाल, क्योंकि कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा जो कमेंट आते हैं वो वेस्ट बंगाल से आते हैं, इसलिए मैंने पहले वेस्ट बंगाल उठाया है। नीट कट ऑफ फॉर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है। यहाँ पर कॉलेज नेम लिया है, यहाँ पर कैटेगरी जनरल एससी एसटी, यहाँ नीट रैंक और किस रैंक पर कितने स्कोर पर कितना रैंक है, यहाँ नीट स्कोर लिया है। ऐसे ही एससी कैटेगरी का नीट रैंक, नीट स्कोर और एसटी कैटेगरी का नीट रैंक और नीट स्कोर कितना होना चाहिए कि आपको पर्टिकुलर कॉलेजेस मिल जाए। अब देखिए, वेस्ट बंगाल के अंदर जो कॉलेजेस है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे पहले मैं बात करूँ बांकुरा सामिलानी मेडिकल कॉलेज, जो कि बांकुरा के अंदर है। इसमें जनरल कैटेगरी का जो रैंक है वो 13,239 तक यदि आपका रैंक है तो आपको ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। 616 नंबर पर ये रैंक आ रहा है। ये मार्क्स आपको खुद से देखने हैं, आपके जितने भी मार्क्स हैं वो आपको अच्छे से पता है, ठीक है। मैं ओनली ऑल इंडिया रैंक की बात करूँगी, क्योंकि जो काउंसलिंग प्रोसेस चलता है वो ऑल इंडिया रैंक पर चलता है, वो मार्क्स पर नहीं चलता। मार्क्स के बेसिस पर आपको रैंक मिलता है और रैंक के बेसिस पर आपका एडमिशन होता है। अब देखिए गाइज, मैं एससी कैटेगरी की बात करूँ तो एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो और आपको ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो आपका रैंक 70,248 तक होना चाहिए, तब तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। एसटी कैटेगरी की कट ऑफ 89,605। नेक्स्ट है गाइस बुर्दवान मेडिकल कॉलेज, जो कि कहाँ है, बुर्दवान के अंदर है। इसमें जनरल की कट ऑफ मानी गई है 11,002 रैंक और एससी की 68,808 एंड एसटी कैटेगरी की 92,356 एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है। अब नेक्स्ट गाइस, अगर हम बात करें कोलकाता के अंदर है कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज, ठीक है। इसमें जनरल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मानी गई है 8,030 और एससी की 51,137, एसटी की 67,278। यदि आपका यहाँ तक रैंक है इन पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर तो आपको ये एनएमसी जो है ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट गाइज, अगर हम बात करें कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड जेएनएम हॉस्पिटल कल्याणी के अंदर है ये, ठीक है। इसमें जनरल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है 11,906, एससी की 71,109 एंड एसटी की 90,305। यदि यहाँ तक आपका रैंक है तो आपको ये कॉलेज इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट गाइस, कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड सागर दत्ता हॉस्पिटल, जो कि कहाँ है, कोलकाता के अंदर है ये कॉलेज भी। तो इसमें जनरल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है 9,568, एससी की 64,765 एंड एसटी की 80,853 मानी गई है, ठीक है। यदि आपके यहाँ तक मार्क्स है तो आपका आपको कोलकाता का ये कॉलेज इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट गाइज, हम बात करते हैं कुच बिहार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि कहाँ है, कुच बिहार के अंदर है। तो गाइज, इसमें जनरल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है 13,985, एससी की 72,144 एंड एसटी की मानी गई है 93,223। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है। यदि आपके इन पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर इतने मार्क्स और इतने रैंक है तो आपको ये कॉलेज इजीली अलॉट हो जाएगा। नेक्स्ट है गाइस, डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये कहाँ पर है, डायमंड हार्बर के अंदर ही है। इसमें जनरल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है
13,285, एससी की 71,040 एंड एसटी की 92,022, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है। नेक्स्ट कोलकाता के अंदर ही कॉलेज है ESIPGIMSR ESIC मेडिकल कॉलेज एंड ESIC हॉस्पिटल जोका, जो कि कोलकाता के अंदर है। इसमें जनरल की कट ऑफ मानी गई है 10,104, एससी की कट ऑफ 68,277 एंड एसटी की कट ऑफ मानी गई है 82,806। यदि आपकी यहाँ तक रैंक और यहाँ तक मार्क्स है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारा रैंक यहाँ तक है, हमें कॉलेज मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, तो गाइज आप ये देख सकते हैं, जैसे मैंने वीडियोज़ ली है उसमें ओनली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लिए है। जल्द ही मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी लूँगी, उनके स्कोर और उनकी कट ऑफ भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। रैंक वाइज पहले गवर्नमेंट कॉलेज कंप्लीट किए जाए, आफ्टर दैट प्राइवेट कॉलेज। नेक्स्ट गाइज इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि कहाँ है, कोलकाता के अंदर है। इसमें जनरल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है 5,038, एससी की 36,520 एंड एसटी की 60,736। यदि यहाँ तक आपका रैंक है तो आपको ये कॉलेज ईजिली अलॉट हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलेज है मालडा के अंदर, मालडा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसमें जनरल की कट ऑफ मानी गई है 14,349, एससी की 70,132 एंड एसटी की कट ऑफ गाइज मानी गई है 89,623। नेक्स्ट है मिदनापुर मेडिकल कॉलेज, जो कि कहाँ है, मिदनापुर के अंदर है। तो इसमें जो जनरल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है वो मानी गई है गाइस 14,515, एससी की 74,413 एंड एसटी की 94,046 एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है, ठीक है। आपको मार्क्स खुद से देखने हैं, मैं यहाँ ओनली रैंक ले रही हूँ। अब देखिए नेक्स्ट है मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि कहाँ है, मुर्शिदाबाद के अंदर है। इसमें जनरल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 14,585, एससी की 75,602 एंड एसटी की कट ऑफ मानी गई है 92,947। नेक्स्ट है गाइस नील रत्ना सिरचर मेडिकल कॉलेज, जो कि कहाँ पर है, कोलकाता के अंदर है। इसमें जनरल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है 7,127, एससी की 47,735 एंड एसटी की 70,982। यदि यहाँ तक आपका रैंक है इन पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर तो ये कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। नेक्स्ट है गाइस आपका नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसमें जनरल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है 11,987, एससी की 70,142 एंड एसटी की 90,207, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं पुरुलिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि कहाँ है, पुरुलिया के अंदर है। इसमें जनरल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है 14,735, एससी की 75,714 एंड एसटी की 94,792। नेक्स्ट है राजगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि कहाँ है, राजगंज के अंदर है। इसमें जनरल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है 14,639, एससी की 75,331 एंड एसटी की 88,349, ये कट ऑफ मानी गई है। यदि आपकी यहाँ तक मार्क्स है तो ये कॉलेज आपको ईजिली अलॉट हो जाएगा। नेक्स्ट है गाइस रामपुरहट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि कहाँ है, रामपुरहट के अंदर ही है। इसमें जनरल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है 14,698, एससी की 70,430 एंड एसटी की कट ऑफ मानी गई है 94,280, ठीक है। अगर यहाँ तक आपका रैंक और आपके मार्क्स है तो ये गवर्नमेंट कॉलेज आपको ईजिली अलॉट हो जाएगा। नेक्स्ट है गाइज आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि कहाँ है, कोलकाता के अंदर है। जिसमें जनरल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक मानी गई है 8,065, ऐसे ही एससी की मानी गई है 58,652 एंड एसटी की मानी गई है 77,340। तो यदि गाइज आपके यहाँ तक मार्क्स और यहाँ तक रैंक है तो आपको ये कॉलेज ईजिली अलॉट हो जाएगा। अब वेस्ट बंगाल के अंदर जितने भी कॉलेजेस थे वो सब मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, पूरा डेटा यहाँ कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है गाइज।
तो और भी स्टेट्स है उनसे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, सभी स्टेट्स की वीडियो आ चुकी है। ठीक है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो मेरे चैनल पर जाकर लेटेस्ट वीडियो में देखेंगे तो सभी स्टेट्स की वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर भी यदि आपको नहीं मिलता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कोई भी डाउट होता है तो आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं। रिस्पॉन्स में सभी कमेंट का नहीं दे पाती, ठीक है, लेकिन आपका जो भी डाउट होगा उससे रिलेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल के ऊपर ज़रूर अवेलेबल मिलेगी। ठीक है गैस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। ओके गैस, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।